रूस यूक्रेन के बीच 2 साल से युद्ध जारी है। अमेरिकी मदद की सहायता से यूक्रेन ने इस युद्ध में रूस का कड़ा मुकाबला किया और कई बार रूस पर भारी भी पड़ता दिखा, लेकिन अब उसे अमेरिकी मदद नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते यूक्रेन बैकफुट पर आ गया है। यूक्रेन की हालत देख रूस एक के बाद एक यूक्रेनी शहरों और गांवों पर कब्जा करता जा रहा है। रूस की इस बढ़त पर व्हाइट हाउस ने चेतावनी जारी की है। आपको बता दें कि रूस ने हाल ही में यूक्रेन के सिवेन गांव पर कब्जा किया है और उससे पहले इसी महीने रूस ने अवदीवका शहर पर कब्जा किया है। व्हाइट हाउस ने अवदीवका शहर पर रूसी कब्जे को गंभीर बताया और इस पतन के लिए कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद की निष्क्रियता को जिम्मेदार ठहराया है। व्हाइट हाउस ने डोनबास में यूक्रेनी सेना के खिलाफ रूसी सेना की बढ़त पर भी चेतावनी जारी की है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरिन जीन पियरे ने अवदीवका को महत्वपूर्ण शहरों में से एक बताया और कहा कि हाल के हफ्तों में यूक्रेन ने युद्ध के मैदान में अपनी पकड़ खो दी है और कांग्रेस की निष्क्रियता के कारण उसे गोला बारूद की कमी से जूझना पड़ रहा है। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने डोनबास में रूसी सेना की निरंतर प्रगति पर चिंता व्यक्त करते हुए युद्ध के मैदान की स्थिति को यूक्रेन के लिए बहुत गंभीर बताया। किर्बी ने कहा कि I want to share a few words about the battlefield situation in Ukraine, where the fighting is incredibly intense in the east, particularly in a city called Avdiivka. It's a city that we've talked about several times before. Unfortunately, we're getting reports from the Ukrainians that the situation is critical, with the Russians continuing to press Ukrainian positions every single day. Avdiivka is at risk of falling into Russian control. In very large part, this is happening because the Ukrainian forces on the ground are running out of artillery ammunition. Russia is sending wave after wave of conscript forces to attack Ukrainian positions, and because Congress has yet to pass the supplemental bill, we've not been able to provide Ukraine with the artillery shells that they desperately need to disrupt these Russian assaults. Now, Russian forces are now reaching Ukrainian trenches actually in Avdiivka, and they're beginning to overwhelm Ukrainian defenses. The cost of inaction by the Congress is stark, and it's being borne on the shoulders of Ukrainian soldiers. किर्बी ने यह भी कहा है कि मैं इस पर समय की मुहर लगाने और ये कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि किस तारीख तक वे युद्ध हार जाएंगे, लेकिन वे निश्चित रूप से उन क्षेत्रों को खोने लगे हैं जो उन्होंने रूसियों से वापस ले लिया था। किर्बी के मुताबिक अब यूक्रेन को वो सभी क्षेत्र रूसियों को वापस देना होगा क्योंकि वे उनसे लड़ नहीं सकते। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन यूक्रेन के लिए लंबे समय से रुके हुए सहायता पैकेज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रिपब्लिकन के विरोध के कारण यूक्रेन को फंड नहीं मिल पा रहा है। इस पैकेज में यूक्रेन के लिए $60 बिलियन की मदद शामिल है। मदद न मिलने से यूक्रेन गोला बारूद सहित अन्य सैन्य उपकरणों की कमी का सामना कर रहा है और युद्ध के मैदान में कमजोर पड़ रहा है। अगर यूक्रेन को समय रहते उसके पश्चिमी मददगारों से मदद नहीं मिलती तो युद्ध के मैदान में उसकी हार तय है। Кулеметчик правіше!